सर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यूपी की टीम से एक एक खिलाड़ी आज खेलने आए, बाकी तो कोई उतरा ही नहीं। और डिफेंस का जो परफॉर्मेंस लगातार दूसरे मैच में, यूपी को लग रहा है कि डिफेंस ही लगातार हरवा रही है, तो क्या आपको कमी और लग रही है इसके अलावा? हाँ, डिफेंस काफी खराब खेल रहा लगातार, और आज भी वही काम था। डिफेंस अगर थोड़ा उस टाइम ठीक खेलता तो मैच अपने हाथ में था। डिफेंस में कुछ चेंज भी करा हमने, जैसे एक दो कर जहाँ में कमी लग रही थी, ज्यादातर वो रनिंग आगे हैंड टच कर रहे थे तो उसकी जगह दूसरा नया लड़का आए थे, उसको भी हमने चेक करा, तो डिफेंस काफी गलतियां कर रहा जिसकी वजह से ये सारा मैच लूज हो रहा है। का जो डिफेंस है काफी एक्सपीरियंस है, जैसे नितेश है, आशु है, सुमित है, जब उनसे इस तरह की गलतियां होती हैं तो फिर आपका फिर क्या महसूस होता है, क्योंकि पीछे जो है वो इतने एक्सपीरियंस डिफेंडर नहीं है आपके पास? तो वो सारा सबसे ज्यादा हो रही है इंजुरी, ज्यादा हो रही है। आंसू भी पूरा फिट नहीं था, अभी इंजुरी से आया है, और सुमित के भी पिछले मैच में इंजुरी हुई है, तो इंजुरी का काफी इसमें प्रॉब्लम आ रही है मेरे डिफेंस के लिए। प्रदीप, जब आप पटना के लिए खेलते थे तो अक्सर देखा जाता था अकेले आप सारे पॉइंट्स ला रहे हैं और पीछे से आपको सपोर्ट नहीं मिलता था, आज पुरानी टीम के खिलाफ आपका सेम रिपीट होता हुआ दिखाई दिया, अकेले आप ही सारे पॉइंट्स ला रहे थे पर सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला, तो कैसा महसूस हो रहा था कि जब बाहर लगातार बैठे? देखो, डिफेंस तो बहुत जरूरी है, मतलब डिफेंस नहीं चलेगा तो मतलब रेडर कितने नंबर ले जाओ उसका कोई मन नहीं लगता, वो तो वही हो गया ना, एक गेम हो गया, रेड 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 में नंबर आए, डिफेंस में नहीं आए। अपने खुद की फॉर्म से आप कितने संतुष्ट है इस लेग में खासकर? देखो, खुद की नहीं कह सकते क्योंकि टीम के साथ चलेगी, जब टीम के साथ चलेगी जब भी फायदा है कुछ इतने पॉइंट लेने का, नहीं तो अकेला मैं 20 पॉइंट लिया 30 लिया कोई फायदा नहीं, टीम जब साथ में होगी तभी फायदा होगा, टीम भी जितनी चाहिए ना, नंबर से कुछ नहीं। सब ये होम लेग था, यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए था, दो मुकाबले टीम हार चुकी है, सिर्फ एक जीती, किस तरह देख रहे हो आप, क्योंकि बाकी आप टीमों होम लीग में जब टीमें जाती है तो वहां फैंस का होम फैंस का फायदा मिलता है, यहाँ पे आके उल्टा टीम मैच हार रही है, उसको कैसे देख रहे हो? नहीं देखो, ज्यादा इंजरी का वजह, इंजरी की वजह से हो रही है, सुरेंद्र गिल है उस दिन, वो भी सेकंड मैच में, पहला मैच हम जीते बेंगलोर के साथ था, सेकंड मैच दिल्ली के साथ हमारा था, तो उसमें गिल को इंजरी होगी शुरू में, दूसरी तीसरी लैब में होगी, सुमित को इंजरी होगी, तो इंजरी है, ये बॉडी कॉन्टैक्ट गेम मैच में, और इंजरी होने के बाद फिर फर्क तो पड़ता ही है टीम के ऊपर। इंजरी तो ठीक है लेकिन टीम अभी आ चुकी है 10वें पायदान पे, वहां से किस तरह से अब आगे के मुकाबले में किस तरह से अप्रोच होगा, एक होम गेम बाकी है। नहीं, आगे के मैचों में अभी सुरेंद्र गिल के ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा इंजरी उसके है, थोड़ी सुमित के, जैसे टीम फिट हो पाएगी तो आगे के मैच ऐसे टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम जब पूरी फिट होकर खेलेगी तो किसी भी टीम से हारने का कोई मतलब नहीं। प्रदीप भाई, आपको आपके चेंजेस दिख रहे हैं क्योंकि आप जब से होम लीग में आए हो तब से आपको रेट्स भी ज्यादा मिलना शुरू हो गई है और उसका फायदा दिख रहा है, आज 21 पॉइंट, पिछले मैच में सुपर रेट भी था, सुपर 10 माफ कीजिएगा, तो क्या ज्यादा रेट मिलने से आपको ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि टाइम बिताने का मैच में मौका मिल रहा है? देखो, रेट से कोई मतलब नहीं होता, मतलब रेडर तो देखो दूसरा भी है, वो भी नंबर ले गया, गिल है तो गिल भी नंबर ले, मतलब डिफेंस बहुत जरूरी है, डिफेंस चलेगा जब हम मैच जीत सकते हैं, अकेला डिफेंस से कुछ नहीं होगा, डिफेंस को बहुत जरूरी है, मतलब कि टाइट होना थोड़ा। जी सर, नामांकित कबड्डी अड्डा से हमने आपके कैंप में भी आए थे और आपसे बात भी करी थी और उस वक्त देख कर लग रहा था प्रिपरेशन वाइज की टीम बहुत जबरदस्त करने वाली है और काफी एक्सपेक्टेशन हाई थी आपकी टीम से, होम लेग के बारे में सबने पूछ लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डिफेंस में जो गलतियां हो रही है क्या इसी बैलेंस के साथ आप जाएंगे या आप कोई चेंजेस देख रहे हैं आने वाले मैचेस में, क्योंकि आपको जब पता है कि डिफेंस की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या आप सोच रहे हैं बताओ? नहीं, जरूर, चारों डिफेंसर हमारे एक्सपीरियंस डिफेंसर है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पहली बार खेल रहे हैं और काफी अच्छा भी उन्होंने प्रदर्शन करा पहले भी आज से पहले, तो एक खराब दौर, मैं समझता हूँ कि एक खराब दौर उनका चल रहा, तो ऐसा बात नहीं है कि डिफेंसर खराब है हमारे, लेकिन एक समय होता है तो समय खराब चल रहा है थोड़ा सा उनका, जैसे ही सब रहेंगे तो वो अच्छा करेंगे। चल पा रहा है वो, उसके लिए क्या चैलेंज रहेगा, साथ में डिफेंस का बता रहे हैं पर रेडर्स पे कितना बड़ा चुनौती होने वाले, उस पे कैसे पार पाएंगे आप? देखो, डिफेंस पूना अच्छा खेल रही है, पूना टीम अच्छा खेल रही है, लेकिन हर दिन अलग मैच होता है तो ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस रेडर को पॉइंट ही नहीं मिल रहा वहां से, तो प्रदीप है हमारे पास अच्छे रेडर है तो वो स्कोर करेंगे वहां से, पूरी उम्मीद है उसके लिए। हाँ, इंजरी उसके थोड़ी ज्यादा इंजरी नहीं है, नॉर्मल इंजरी है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं था तो इसलिए एक दो मैच का उसे थोड़ा रेस्ट दिया था आज के मैच का,
तो वो जैसे भी अभी फीजियो के ऊपर बात है तो वो क्या बोलता है उसके बाद देखते हैं उसका। हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा है कि जिस तरह से लगातार आपको बढ़िया खेल दिखाया, बस कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई, लेकिन क्या एक कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा जैसा प्रदीप की भी आसपास ही टीम जो रेड करते हैं घूमती है, तो क्या हमें एक जो बैक एंड पे रेडर नहीं चाहिए जो जब प्रदीप नहीं होता है या फिर और मतलब बाहर चले जाते हैं? नहीं, रेडर दूसरा भी हमारे पास, विजय भी अच्छा रेडर है, सुरेंद्र गिल की भी, अनिल है नया लड़का, लेकिन विजय की जो उम्मीद थी विजय से उससे थोड़ा सा वो कम कर पा रहा, अपना नहीं कर पा रहा, तो उसकी थोड़ा सा तो कमी खलती है। अगर सुरेंद्र हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, सुरेंद्र और प्रदीप दोनों है। नहीं, वो सब इंजरी की वजह से थोड़ा डिफेंस अपसेट हो गया, नहीं तो स्कोर रेडर ने काफी स्कोर करा, इतना स्कोर होने के बाद तो टीम जीतनी चाहिए, लेकिन वो डिफेंस में ही मिस्टेक हुई है, तो वही कारण। थैंक यू कोच सर। लास्ट दो मैच दोनों में जीत मिली, किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि होम लेग तो आपका नहीं था बट फैंस का सपोर्ट पूरा था आपको, आज किस तरह से देख रहे हो, टीम में क्या चेंजेस किया? देखो चेंजेस वही सेम, चारों डिफेंडर है हमारे और तीनों रेडर वही है, चेंज नहीं है, तो थोड़ी प्लान बनाई है, तो थोड़ा डिफेंस पहले वाले मैचों में जो मिस्टेक की थी उसकी प्लान बनाई, उस पर सभी चारों के चारों डिफेंडर और जो रेडर है जैसे सचिन है ये इन्वॉल्व हुआ है और डिफेंस के अंदर भी, तो उस जो हमने जो अपनी प्लान बनाई थी हर टीम के अलग अलग, उसके हिसाब से टीम खेल रही है तो विन होती आ रही है। सचिन, आज बेहतरीन प्रदर्शन आपका, पिछले कुछ मुकाबलों से थोड़ा प्रदर्शन डाउन हो गया था, तो किस तरह से देख रहे हो आप इस मुकाबले में, जो 15 पॉइंट लिया आपने, किस तरह से आगे आने वाले सीजन में 15 पॉइंट काम करेंगे? मेरे कोच साहब ने जो हमारे पिछले मैचों में गलती हुई थी उन पे काम करके हमने तैयारी की थी, इस टीम पर उपयोग दागा, अच्छा डिफेंस था, जो हमारे 3-4 मैच लूज हो गए थे उसमें हम गलती कर रहे थे, तो आज हम अच्छे खेले, हमारी टीम डिफेंस ऑफेंस बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जनसत्ता शो, मेरा सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से आपको जीत मिली है दो बैक टू बैक, आप सुपर फोर में भी आ चुके हो, तो मतलब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि वेन्यू भी बदल जाएगा, सामने वाली टीमों की रणनीतियां भी बदलेंगी? हमारे कोच साहब है, अभी हमारे दिल्ली के साथ मैच है, बेंगलोर के साथ मैच है, तो हमारे को सब जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे उस पर हम खेलेंगे, तो यही प्लान रहेगा, हमारा डिफेंस चलेगा तो हम पक्का जीतेंगे मैच। आज तो डिफेंस ने कमाल ही किया, मतलब जिस तरह से रेड भी मारी थी सब प्रदीप ने, लेकिन लगातार अपने ऑल आउट किया और जिस तरह से किया तो अच्छा था, आगे के लिए मतलब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। दो सवाल है, मंजीत का सीजन शुरुआत इतना अच्छा नहीं हुआ, बीच में आपने बेंच पे बिठाया, दूसरे रेडर्स को मौका दिया, जब से मंजीत वापस आए लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके गेम पे किस तरह का काम किया गया जो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं? देखो मंजीत ऑलरेडी पहले से अच्छा था, तो कई बार क्या होता है खिलाड़ी नहीं चल पाता, तो उसको बेंच पे भी जरूर नहीं, वो बेंच पे बैठेगा, उसके हमने भरोसा था स्टार्टिंग से ही तो मंजीत अच्छा करेगा, तो उस पर उसकी थोड़ा काम किया, उसको बातचीत की, समझाया और वो अपनी फॉर्म को वापिस लेके आया, तो ये तो स्टार्टिंग से ही था, मंजीत है ही अच्छा, सचिन मंजीत हमारा नया लड़का सुधाकर भी है, वो फैंस हमारा वो भी अच्छा कर रहा है, तो तीनों की अच्छी जोड़ी है, और साथ में संदीप है तो फैंस बहुत अच्छा कर रहा है, और साथ में थोड़ी मिस्टेक डिफेंस से हुई थी, वो भी वो अपनी फॉर्म में वापिस आ चुका, जो स्टार्टिंग में किया था दो मैचों में, तो डिफेंस भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसी लेवल पे अपनी टीम फॉर्म लेके आ चुकी है और कंटिन्यू दो मैच को विन किया है और अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे सभी खिलाड़ी। सर, टीम का अगला मैच दिल्ली के अगेंस्ट है, नवीन शायद अभी नहीं होंगे, लेकिन जो उनके दोनों कॉर्नर्स हैं योगेश और आशीष लगातार अच्छा कर रहे हैं, हाई फाइव लगा रहे हैं, सो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कितना प्रेशर रेडर्स के ऊपर होगा? देखिए वो नए लड़के हैं, दिल्ली अच्छी टीम है ओवरऑल और रेडर भी अच्छे हैं उनके, अच्छा करते हुए आ रही है उनके, उसमें हम प्लानिंग बनाएंगे और टीम हमारी भी अच्छा करे, और सभी हमारा डिफेंस ऑफेंस बहुत अच्छा है, तो मैच उनके साथ आएगा, उसकी प्लान बनाएंगे, उस प्लान के मुताबिक खेलेंगे और हम चाहेंगे कि मैच हमारा विन हो। सचिन, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आज आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 15 पॉइंट स्कोर किए, एक दो इंस्टेंसेस ऐसे थे सेकंड हाफ में जहां पर ऐसा लग रहा था कि आपकी टीम आउट हो जाएगी, लेकिन आप अकेले बचे थे और पॉइंट स्कोर करके आए, ये चीजें डेफिनेटली कोच आपको बाहर से सिखा सकता है, पर बतौर प्लेयर आपका माइंडसेट क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है? तब एक सिंगल मैन बच जाता तो ट्राई करता है पॉइंट लेने की, जैसे बोनस उन्होंने छोड़ दिया तो फिर
कोसा बताते कि फर्स्ट 15 सेकंड में रेड खत्म करो, फिनिश करो, हैंड टच लगा के आओ, नंबर आ चले आओ, तो वो भी अग्रेसिव रहते हैं, सिंगल मैन पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो बस यही है, अटेम्प्ट करो वो आप टूट जाते हैं। थैंक यू।